everyone, this is Ankush from Triple S and once again I welcome you all in the Indian Economic Lecture Series, and today we'll be doing part 3 of the fiscal policy. And sorry for the delay in the lecture because कुछ health related issues थे तो इस वजह से lectures जो है वो थोड़ा delay हो गया है, ठीक है। तो चलिए अब इसको start करते हैं। अब देखिए फिस्कल पॉलिसी हमने start की थी, इफ़ यू रिमेंबर आप इसको अच्छे से फिर से रिवाइज़ कर लीजिएगा ताकि आपको सारे जो फंडामेंटल्स हैं जो भी हमने स्टडी किया वो सारा याद हो जाए। रिवाइंड मैं आपको करवा देती हूँ, फिस्कल पॉलिसी किसे कहते हैं। तो फिस्कल पॉलिसी क्या है, इट इज़ अ पॉलिसी बेसिकली जो कि कौन फ्रेम करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रेम करती है, ठीक है, जिससे कि वो अपने एडजस्ट करती है, अपने स्पेंडिंग्स वो बताती है, डिक्लेयर करती है कि भाई कहाँ पे हमारा खर्चा होगा, हमारे एक्सपेंडिचर कहाँ होंगे, एक्सपेंसेस कहाँ पे होंगे और कहाँ से अर्निंग होगी, इनकम कहाँ से आएगी। तो पूरी जो एक्सपेंडिचर है या पूरी जो इनकम है ये कहाँ कैसे शो करती है ये गवर्नमेंट, तो ये शो करती है थ्रू बजट, है ना। थ्रू बजट जो है वो गवर्नमेंट शो करती है। तो बेसिकली जो बजट है या फिर जिसको हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है हमारी गवर्नमेंट जो है ये बताती है कि हमारा खर्चा पूरा एक्सपेंडिचर कहाँ पे होगा और पूरी इनकम जो है वो कहाँ से आएगी। अब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट अपनी मर्जी से एक्सपेंडिचर करती है, ऐसा नहीं है, तो प्रॉपर पार्लियामेंट अप्रूवल लेना पड़ता है इसके लिए। हमने क्या किया था, हमने वेरियस अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़े थे जिसमें कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आता है कि जिसमें से अगर हमने पैसा डिस्पर्स करना हो या पैसा जो है विड्रॉ करना हो जब, ठीक है, किसी पर्पज़ के लिए जैसे एक्सपेंडिचर करना हो तो उसके लिए प्रॉपर पार्लियामेंट का अप्रूवल जो है लेना पड़ता है। देन वी हैव कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, वी हैव पब्लिक अकाउंट्स, ठीक है, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमने बजट क्लासिफिकेशन डिस्कस किया था जिसमें कि रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट आता है, जिसमें से क्वेश्चन MCQ काफ़ी बार वेरियस एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई इसमें से बताइए रेवेन्यू बजट या कैपिटल बजट कौन सा होगा। तो जैसे कि मैंने अगर एक्सपेंडिचर की बात करें तो एक्सपेंडिचर जो है दो तरीके का होता है, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। सिमिलरली अगर हम इनकम की या रिसिप्ट्स की बात करें तो रिसिप्ट्स में हमारे पास होता है रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। तो ये होते हैं, ये ऑलरेडी खैर फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में मैं अच्छे से ये डिस्कस कर चुकी हूँ। आप ये सब जो है जिन्होंने नहीं देखे हैं ये, फॉर अगर आप ये लेक्चर फर्स्ट टाइम ये वाला लेक्चर देख रहे हैं तो आप जो पहले दो लेक्चर्स हैं आई वुड रिकमेंड सजेस्ट यू कि आप वो भी लेक्चर्स देख लीजिए ताकि आपके जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो क्लियर हो जाएं, क्योंकि इस लेक्चर को देखने से पहले आपको रेवेन्यू रिसीट्स या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है वो जानना बहुत ज़रूरी है। दैट इंक्लूड्स इन द क्लासिफिकेशन ऑफ बजट इटसेल्फ, ठीक है जी, ओके। तो आज हम जिस पे स्टडी करेंगे, तो ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, जिसमें मैंने आपको अकाउंट्स जो है जो गवर्नमेंट के अकाउंट्स जो है वो हमने स्टडी किया था। देन क्लासिफिकेशन ऑफ जो बजट है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इनकी एग्जांपल्स दैट व्हाट और ऑल दी रेवेन्यू साइड के जो एक्सपेंडिचर या जो इनकम है, ठीक है, या फिर कैपिटल साइड के जो एक्सपेंडिचर इनकम है उनमें क्या क्या इंक्लूड होता है, ठीक है, वो सब हम स्टडी कर चुके हैं। तो आज जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच वी आर गोइंग टू डू इज़ टाइप्स ऑफ डेफिसिट्स, ठीक है, कि टाइप्स ऑफ डेफिसिट किसे कहते हैं, मतलब क्या है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेफिसिट्स विच आर कंट्री फेसेस, ठीक है, जो हम लोग फेस करते हैं, हमारी जो कंट्री की इकोनॉमी जो है वो कितने तरीके के डेफिसिट्स फेस करती है। सो वी हैव लाइक so many number of deficits which a country actually faces, ठीक है। deficit का मतलब होता है, deficit मतलब deficiency से word आया है ना, मतलब कमी, ठीक है। तो क्या कमी है हमारी economy में, क्या deficit है, ठीक है। तो देखिए perfect economy तो कहीं नहीं है, deficit तो होगा ही होगा। हम जब खर्चा करते हैं तो हमें borrowings भी करनी पड़ती हैं। तो जो भी एक कंट्री है, मतलब कि हमारी जैसे जब गवर्नमेंट है जो खर्चा करती है तो उसको बोरोइंग भी करनी पड़ती है, ठीक है, और एक्सपेंडिचर करना नेसेसरी है। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, फॉर मेकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, तो वो सब ज़रूरी होता है, एक्सपेंडिचर करना इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। खर्चे के बिना तो ऑब्वियसली कोई काम चलता नहीं है। अब जब हम खर्चा करेंगे तो इनकम भी आएगी। अब देखो फिस्कल पॉलिसी इज ऑल अबाउट खर्चा एंड इनकम, है ना, यही हमने डिस्क्राइब किया कि फिस्कल पॉलिसी इज ऑल अबाउट एक्सपेंडिचर एंड इनकम, राइट। नाउ सी व्हेन वी विल डू एक्सपेंडिचर, और जब हम एक्सपेंडिचर करेंगे उसके बदले फिर हमें जो है इनकम आएगी, तो उसमें जो है कुछ डेफिसिट क्रिएट हो जाता है, कुछ आप कह सकते हो कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड इनकम। उसको हम कहते हैं डेफिसिट्स। अब ये अलग अलग टाइप्स के हैं, क्या हैं वो अभी हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट, जो सबसे पहला डेफिसिट, जो आपने काफ़ी न्यूज़ में भी सुना होगा, आप सुनते रहते होंगे न्यूज़ में भी, इफ़ यू रीड न्यूज़ पेपर्स और इफ़ यू लिसन टू द न्यूज़, तो आप सुनते हैं कि भाई फिस्कल डेफिसिट जो है इतना परसेंट हो गया है। व्हाट इज़ फिस्कल डेफिसिट, नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो चलिए जी बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट की। नाउ व्हाट इज़ दिस फिस्कल डेफिसिट। सबसे पहले आप ये समझिए कि जो फिस्कल डेफिसिट है ये हम हमेशा परसेंटेज में डिस्क्राइब करते हैं, और किसके टर्म्स में, के परसेंटेज में डिस्क्राइब करते हैं, इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, कि भाई जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है वो इतने परसेंट ऑफ जीडीपी है, ठीक है। वो व्हाट एट व्हाट परसेंट ऑफ जीडीपी इज द फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस जीडीपी। जीडीपी को एलैबोरेट एक्सप्लेन तो मैं कभी बाद में करूंगी, क्योंकि इट्स ऑल टुगेदर न्यू टॉपिक, ठीक है। जीडीपी का मतलब है जो भी वैल्यूज, गुड्स और सर्विसेज की हमारी कंट्री में जो भी प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है, उसको हम जीडीपी के टर्म्स में कहते हैं, ओके। अब देखिए आगे मैं और एक्सप्लेन करूंगी इसको। नाउ व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट, आप पहले ये समझिए। देखिए फिस्कल डेफिसिट किसे कहते हैं। देखिए आपने सपोज एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी कि जो भी आपने खर्चा किया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने खर्चा किया, आपके पास 100 रुपीज़ थे, ठीक है, आपके पास 100 रुपीज़ थे, या चलिए टू सिंप्लीफाइड आपके पास 120 रुपीज़ थे। कितने रुपीज़ थे? 120 रुपीज़, ठीक है, आपके पास 120 रुपीज़ थे, आपने 120 रुपये का खर्चा कर दिया, ठीक है, ओके। तो दिस इज, अब जो आपने खर्चा कितना किया, 120 रुपये का, ओके, लेकिन आपके पास जो पैसे थे वो थे 100 रुपीज़, ठीक है, आपके पास 100 रुपीज़ पड़े थे, लेकिन खर्चा हो गया 120 रुपये का, ठीक है, ओके। 1 सेकेंड, ओके, आपके पास जो इनकम है सपोज वो है 100 रुपीज़, ओके, लेकिन आपका जो खर्चा है वो हो गया 120 रुपीज़ का, ओके। तो 100 रुपीज़ आपकी इनकम है, लेकिन जो आपकी एक्सपेंडिचर है वो कितना हुआ, 120 रुपीज़, ठीक है। तो ये जो 20 रुपये हैं, 20 रुपये एक्स्ट्रा आप कहाँ से खर्चेंगे, ये 20 रुपये एक्स्ट्रा आप लेंगे उधार पे। व्हाट यू विल डू, यू विल टेक दिस 20 रुपीज़ एज उधार, यानी कि आपने बोरो किया ये पैसा, ठीक है। तो क्या हुआ, आपके पास आपकी इनकम है 100 रुपये, लेकिन आपका जो एक्सपेंडिचर है वो कितना हुआ, 120 रुपये। तो यानी कि ये जो 20 रुपये का जो डिफरेंस आया, ये आपने बोरो किया, ये आपने बोरो किए 20 रुपीज़, समझ आया। अब ये जो 20 रुपीज़ हैं, पहले अभी बोरोइंग का छोड़ दो, ये जो 20 रुपये का गैप आया, ये है आपका डेफिसिट, ये है आपका फिस्कल डेफिसिट, ठीक है जी। तो जैसे ही गवर्नमेंट जो है क्या करती है, एक्सपेंडिचर करती है, गवर्नमेंट ने कहीं पे खर्चा किया, लेकिन उसकी इनकम उसके कंपैरेटिवली कम है, एक्सपेंडिचर के कंपैरेटिवली जितना गवर्नमेंट ने खर्चा किया है उसकी इनकम जो है उससे कम है, तो वो जो गैप, वो जो डिफरेंस आया बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड इनकम, दैट इज फिस्कल डेफिसिट, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, फिस्कल डेफिसिट। अब देखिए ये मैंने लिखा क्या है नोट्स में, ये देख लेते हैं। व्हेन गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर दैन इट्स टोटल इनकम, सच अ सिचुएशन इज कॉल्ड अ फिस्कल डेफिसिट, ओके। जितनी ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट होगा, इसका मतलब कि जो गवर्नमेंट है वो अपनी जितनी उसकी कैपेसिटी है उसकी स्पेंडिंग से वो ज़्यादा ही स्पेंड कर रही है, ठीक है। और इट मे बी डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट का जो टोटल एक्सपेंडिचर है, ये बेसिकली क्या है, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का ये जो फॉर्मूला है, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स। नाउ व्हाट इज एक्सेप्ट बोरोइंग, इसको अभी मैं अभी समझाती हूँ। एक्सेप्ट बोरोइंग मैंने क्या लिखा है, एंड दिस एक्सेप्ट बोरोइंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी आप ये समझिए, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, कि आपने जो है, आपका जो एक्सपेंडिचर है वो है 120 रुपये, रिसीट है आपकी 100 रुपये, यही हमने डिस्कस किया। तो ये जो 20 रुपये है ये आ गया आपका फिस्कल डेफिसिट। 20 रुपीज़ इज योर फिस्कल डेफिसिट, ओके, समझ आ गई बात। अच्छा अब देखिए पहले ये समझिए कि जो ये टोटल एक्सपेंडिचर जो मैंने लिखा, अब टोटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या इंक्लूड होता है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया हुआ है कि टोटल एक्सपेंडिचर मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। दो तरीके के एक्सपेंडिचर होते हैं हमारे, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये मैं लास्ट लेक्चर में अच्छे से इलैबोरेट कर चुकी हूँ ऑलरेडी, ठीक है जी, कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो है जिससे आप एक्सपेंडिचर तो करेंगे और आपका एसेट क्रिएट होगा इससे, ठीक है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जिससे आपका कोई भी एसेट क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सैलरीज, पेंशंस, ग्रांट्स, ठीक है, ये सारे किस में आ जाते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं, जिससे आपका कोई एसेट क्रिएशन नहीं होगी। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर बोथ इंक्लूड्स द टोटल एक्सपेंडिचर। सिमिलरली तो व्हाट इज टोटल रिसीट्स, टोटल रिसीट्स का मतलब है जो इनकम है हमारी, टोटल इनकम। टोटल इनकम कहाँ से आएगी, तो टोटल इनकम इंक्लूड्स रेवेन्यू रिसीट्स एज वेल एज कैपिटल रिसीट्स। ठीक है, तो रेवेन्यू रिसीट में कौन से रिसीट्स आ जाएंगे, जैसे टैक्स की फॉर्म में आ गई या नॉन टैक्स की फॉर्म में, जैसे फीस आ गई कहीं से, ठीक है, कोई फाइन आ गया वो, ठीक है, वो डिविडेंड्स आ गए, प्रॉफिट्स आ गए, ये आ गए रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स। ठीक है, कैपिटल रिसीट्स में जैसे आपके लोन्स, आपको लोन्स मिल गए, ठीक है, वो सब आपके किस में आ जाते हैं, या फिर गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट की, वो किस में आते हैं, कैपिटल रिसीट्स में आते हैं। कैपिटल रिसीट्स में क्या होता है कि आपके जो एसेट्स हैं वो रिड्यूस होते हैं, गवर्नमेंट के कैपिटल रिसीट में एसेट्स आर रिड्यूस्ड, जिसमें आप जैसे कि आप डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, गवर्नमेंट जो है डिसइन्वेस्टमेंट करेगी, अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल करेगी, तो वो सब किस में आ जाते हैं, कैपिटल रिसीट्स में। ये मैं लास्ट लेक्चर में मैं अच्छे से ये बता चुकी हूँ कि कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू मतलब कि ये बजट की जो क्लासिफिकेशन है, ये लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी इलैबोरेट कर चुकी हूँ, आप वहाँ पे जाके अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, अगर ऑलरेडी देख चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ओके, नाउ ये फिस्कल डेफिसिट समझ आ गया, व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट नाउ। सिंपल सी बात है भाई, खर्चा कितना हो रहा है और इनकम कितनी है, उसके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, हमारा फिस्कल डेफिसिट। लेकिन एक्सेप्ट बोरोइंग यहाँ पे लिखा है। एक्सेप्ट बोरोइंग का मतलब क्या है कि जो आप बोरो कर रहे हैं या ये जो उधार आप ले रहे हैं उसको आप इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे। इसका क्या मतलब है, एक बार फिर एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, मैंने आपको क्या कहा, आपका जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है, 120 रुपये, ठीक है, रिसीट कितनी है, 100 रुपये। अब ये जो 20 रुपये हैं ना, ये जो 20 रुपये हैं ये फिस्कल डेफिसिट है। अब इन 20 रुपये को कवर करने के लिए, ये 20 रुपये देने के लिए, इसको पूरा करने के लिए, ठीक है, फिस्कल डेफिसिट को कवर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम बोरो करेंगे, उधार लेंगे। ठीक है, हमने बोरो किया, ठीक है, हमने क्या किया, बोरो किया। अब अगर मैंने 20 रुपीज़ सपोज बोरो किए, यानी कि ये जो मेरे बोरोइंग है ये फिस्कल डेफिसिट के बराबर है, यानी मेरा जो फिस्कल डेफिसिट है दैट इज इक्वल टू द बोरोइंग। समझ आ गया, क्योंकि ये 120 माइनस 100 कितना हो गया, 20, और ये 20 क्या है, बोरोइंग। तो यानी कि बोरोइंग किसके बराबर हुई, फिस्कल डेफिसिट के बराबर हुई। समझ आ गया। अब यहाँ पे ये मैंने यही लिखा हुआ है, देखिए, फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट्स द टोटल बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट। फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट्स दी, यानी कि फिस्कल डेफिसिट मेरा अगर 20 रुपये है, इसका मतलब 20 रुपये की मुझे बोरोइंग करनी पड़ेगी। यानी कि फिस्कल डेफिसिट क्या इंडिकेट करता है, फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट करता है टोटल बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, तो ये कहीं पे अगर आपको MCQ कहीं मिल जाता है कि फिस्कल डेफिसिट क्या इंडिकेट करता है, तो येस, फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट्स द टोटल बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट। कैसे इंडिकेट करता है ये अब आपको पता चल गया, क्योंकि भाई जो जितना आपने उधार लेना है, जितनी आपकी बोरोइंग है, वही तो फिस्कल डेफिसिट है एक्चुअली आपका, है ना। तो फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट्स द टोटल बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल द सोर्सेज, वेदर दैट इज डोमेस्टिक बोरोइंग, चाहे जो गवर्नमेंट है वो डोमेस्टिक बोरोइंग कर रही है। डोमेस्टिक बोरोइंग कैसे कर रही है, RBI से कर रही है, वेज एंड एडवांसेस से कर रही है, RBI से पैसा उठा रही है अगर गवर्नमेंट, ठीक है, तो वो डोमेस्टिक बोरोइंग होगी। पब्लिक से पैसा उठा रही है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करके RBI से उठा रही है, रिजर्व बैंक जो हमारा सेंट्रल बैंक है वहाँ से पैसा उठा रही है, डोमेस्टिक बोरोइंग हो गई। या फिर एक्सटर्नल सोर्सेज से उठा रही है, इंटरनेशनल मार्केट से भी पैसा उठा सकती है गवर्नमेंट अपने हमारे फिस्कल डेफिसिट को कवर करने के लिए। ठीक है, ओके, नाउ से ये मैं ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ कि जो फिस्कल डेफिसिट है इट इज़ मेजर्ड एज द परसेंटेज ऑफ GDP। ठीक है, जो भी हमारी GDP होती है उसकी परसेंटेज में जो है फिस्कल डेफिसिट को मेजर किया जाता है। नाउ दिस इज द डेटा, ये मैंने डेटा जो है ये बताया है कि कितना कितना फिस्कल डेफिसिट जो है ईयर वाइज रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 2015-16 विच इज़ नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट येस कंपैरिजन के लिए आप इसको देख सकते हैं कि कितना जो है हमारा फिस्कल डेफिसिट रहा। ठीक है, तो देखिए 2015-16 में जो है फिस्कल डेफिसिट 3.9 था, फिर जो है अब ऑब्वियसली जितना फिस्कल डेफिसिट कम होगा ऑब्वियसली एक कंट्री के लिए उतना ही अच्छा है ना, कि मतलब हमें जितनी कम बोरोइंग करनी पड़ेगी, जितना कम उधार लेना पड़ेगा, ऑब्वियसली वो कंट्री के लिए अच्छा है। लेकिन देखिए अब डेवलपमेंट के लिए फिस्कल डेफिसिट होगा भी, अब अगर हम एक्सपेंडिचर ही नहीं करेंगे, अगर हम खर्चा नहीं करेंगे, देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आता है कि भाई सैलरीज देनी है, पेंशन देनी है, वो तो देनी ही देनी है किसी भी हालत में, है ना। और कैपिटल एक्सपेंडिचर इज़ वेरी वेरी गुड, एक बजट जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो उस बजट को अच्छा माना जाता है। क्योंकि इसका मतलब हम गवर्नमेंट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा ज़्यादा लगा रही है, विच मीन्स विच इज़ लाइक लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, राइट. तो दैट्स वाई एक्सपेंडिचर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. नाउ इन मैक्सिमम ऑफ द केसेस इनकम इज़ लेस. अब उसके बदले जो है इनकम कम आ रही है, मार्केट की जो सिचुएशन है वो अच्छी नहीं है, मार्केट में मंदी है. अब कोविड की वजह से आप लगा लीजिए कॉर्पोरेट टैक्स, मान लीजिए गवर्नमेंट को कम आ रहा है, टॉल प्लाजा से जो है फीस कम आ रही है, ठीक है. जैसे कोविड के टाइम्स पे भाई गाड़ियाँ ही चल रही थी, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, मार्केट में मंदी थी, ठीक है. तो इन नटशेल आई वुड से कि जो इनकम है वो गवर्नमेंट की कम है, लेकिन एक्सपेंडिचर तो उसको गवर्नमेंट को करना ही करना है ना, सैलरीज पे करनी ही करनी है, पेंशन्स पे करनी ही करनी है, राइट. तो वो ये सब जो है, तो इसको बैलेंस करने के लिए तो ऑब्वियसली देखिए फिस्कल डेफिसिट होगा ही होगा. ऐसा नहीं हम मान के चल सकते कि भाई फिस्कल डेफिसिट हो ही नहीं, तो होगा तो सही फिस्कल डेफिसिट. लेकिन ये है कि गवर्नमेंट ऑलवेज ट्राई टू कंट्रोल कि जितना कम हो उतना ज़्यादा अच्छा है ऑब्वियसली, ठीक है. तो चलिए इसको देखते हैं. तो 3.9 जो परसेंट है ये परसेंटेज में है ऑब्वियसली, 3.9% रहा 15-16 में, फिर 16-17 में जो है 3.5% रहा, 17-18 में 3.5 रहा. चलिए ये हम डाटा जो है थोड़ा करंट का देख लेते हैं. तो देखिए 2020-21 में जब कोविड जो है स्टार्ट हुआ था, जब कोविड स्टार्ट हुआ था तो 9.2 to 9.5% जो है फिस्कल डेफिसिट देखने को मिला था, विच वॉज क्वाइट हाई, ठीक है ना. तो 9.2 इस तरीके से 9.2 टू 9.5 आपको परसेंटेज जो है फिस्कल डेफिसिट की देखने को मिली थी जब ये कोविड का टाइम था, पीक पे जब कोविड था, जब आप कह सकते हो फर्स्ट वेव जब कोविड की आई थी, तो ऑब्वियसली फिस्कल डेफिसिट काफ़ी इंक्रीज़ हो गया था, ठीक है. क्योंकि इनकम तो थी नहीं, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा था, तो फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज़ हो गया, ठीक है. उसके बाद 2020-21 का जो टारगेट था वो 6.8 रखा था फिस्कल डेफिसिट का, बट 6.9 रहा, तो नॉट बैड, ठीक है. ये जितना टारगेट था उसके आसपास ही रहा. उसके बाद जो 22-23 अभी अगर हम करंट की बात करें जो एस्टिमेटेड है हमारा फिस्कल डेफिसिट विच इज 6.4, ठीक है. ये ऑलरेडी जो फिस्कल डेफिसिट 2021-20 ये मैं ऑलरेडी बजट मैंने पढ़ाया था, जो एनुअल बजट है हमारा, हमारे एनुअल जो इंडिया का जो एनुअल बजट है जब वो प्रेजेंट हुआ था फरवरी में, तो उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक लेक्चर एक वीडियो मैंने बनाई थी उस पर कि हमारे बजट के ऊपर, उसमें भी मैंने ये जो डाटा है ये डिस्कस किए थे कि कितना फिस्कल डेफिसिट रहा, ठीक है. ओके, अब ये तो रही फिस्कल डेफिसिट की बात, ठीक है. अब आते हैं जी व्हाट इज़ रेवेन्यू डेफिसिट. अब फिस्कल डेफिसिट आप सबको समझ आ गया, फिस्कल डेफिसिट इज़ व्हाट, इसकी डेफिनेशन अच्छे से आप कर लीजिएगा. इसकी जो आप कह सकते हैं कि जो इक्वेशन है इसकी, वो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सेप्ट बोरोइंग, ठीक है, एक्सेप्ट बोरोइंग. और आप ये भी कह सकते हैं कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो इंडिकेट करता है टोटल बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है. कैसे करता है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है. नहीं समझ में आया होगा तो डू लेट मी नो इन टू द कमेंट सेक्शन, ठीक है. या तो मैं कमेंट में ही आंसर दे दूंगी, अदरवाइज जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं समझा दूंगी कि कैसे हुआ, ठीक है. ओके, नाउ द नेक्स्ट डेफिसिट विच वी आर गोइंग टू डू इज द रेवेन्यू डेफिसिट. नाउ व्हाट इज दिस रेवेन्यू डेफिसिट. देखिए रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब है इसमें सारा रेवेन्यू के बारे में होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स. Now what is revenue expenditure? This I have already discussed, and what is revenue receipt? This I have already discussed in the last lecture. मैं अच्छे से बता चुकी हूँ, थोड़ा सा क्विक बता देती हूँ कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखिए वो एक्सपेंडिचर है जिससे कि कोई हम गवर्नमेंट इस पे एक्सपेंडिचर तो करेगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तो कर रही है, खर्चा तो कर रही है, लेकिन कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है इस खर्चे से, और ना ही तो कोई लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है, ना ही तो कोई एसेट क्रिएट हो रहा है, ना ही तो कोई लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ओके, समझ में आ गया. व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब कि कौन से ऐसे एक्सपेंडिचर हैं जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएंगे. जैसे कि सैलरीज देना, ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको सैलरी देंगे या वेजेस देंगे, पेंशन देंगे, सब्सिडीज देंगे, ठीक है, ग्रांट्स और एड देगी. जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसी स्टेट को ग्रांट और एड दे सकती है, अपनी किसी नेबरिंग कंट्री को भी ग्रांट और एड दे सकती है, ठीक है. लॉ एंड ऑर्डर पे जो एक्सपेंसेस होते हैं एट्सेट्रा, ये सारे किस में आ जाते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में. रेवेन्यू रिसीट में क्या आएगा जी, रेवेन्यू रिसीट में वो रिसीट आएगी, वो इनकम आएगी, ठीक है, जो कि क्या करेगी, मतलब जो कोई एसेट जो है वो रिड्यूस नहीं करेगी बेसिकली, ठीक है. इट विल नॉट रिड्यूस एनी एसेट. ओके, इट विल नॉट रिड्यूस एनी एसेट इन केस ऑफ रिसीट, ठीक है, इन केस ऑफ कैपिटल, इन केस ऑफ रेवेन्यू रिसीट, ठीक है. जैसे रेवेन्यू रिसीट की जो एग्जांपल है वो क्या आएगी, टैक्स एंड नॉन टैक्स, ठीक है। जैसे टैक्स है वेरियस फॉर्म ऑफ, जैसे इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, जीएसटी है, और टैक्सेशन मैंने पढ़ाना है अलग से, अभी टैक्सेस हमने पढ़ने हैं सारे, इलेबोरेट करने हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, रेवेन्यू रिसीट में क्या होता है कि कोई भी आप कह सकते हो कि कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती है गवर्नमेंट की, ना ही तो कोई एसेट रिड्यूस होता है, ना ही तो कोई लाइबिलिटी जो है वो क्रिएट होती है। ये मैं खैर ऑलरेडी ये सब बता चुकी हूँ, ठीक है, ओके। अब होता क्या है, देखिए रेवेन्यू रिसीट में रेवेन्यू इसमें डेफिसिट में होता क्या है कि आपका जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, ठीक है, यानी कि जो आपने खर्चा किया, जो आपका खर्चा है माइनस जो आपकी इनकम है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, जितना आपने खर्चा किया और जितनी आपको रिसीविंग हुई उसका जो डिफरेंस है उसको हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। क्या कहते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, ठीक है। अब देखिए जो रेवेन्यू डेफिसिट है ना, इसकी एक इंपॉर्टेंस है। रेवेन्यू डेफिसिट ज़्यादा नहीं होना चाहिए कंट्री के लिए, ये हार्मफुल होता है। रेवेन्यू जो डेफिसिट होता है ये थोड़ा हार्मफुल रहता है, ये थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट डालता है हमारी इकोनॉमी पे। कैसे इफेक्ट डालता है नेगेटिव, देखिए रेवेन्यू रिसीट का तो हमें पता नहीं कि भाई इनकम कितनी आएगी, इसका तो हमें पता नहीं है। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू रिसीट जो है, यानी जो रेवेन्यू जो इनकम है, वो पूरी होली सोली मार्केट सिचुएशन पे डिपेंड करती है। क्योंकि मैंने अभी क्या कहा कि रेवेन्यू रिसीट में क्या आता है, टैक्सेबल इनकम आती है, नॉन टैक्सेबल इनकम आती है। टैक्स मतलब कि इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, जीएसटी, ठीक है। अब अगर मार्केट की सिचुएशन अच्छी है, मार्केट की सिचुएशन अच्छी है तो भाई टैक्स भी ज़्यादा आ जाएगा। अगर मार्केट में मंदी है तो टैक्स नहीं आएगा, तो इनकम कम हो गई, ठीक है। अगेन जो फीस, डिविडेंड्स, प्रॉफिट्स, डिपेंड करता है आए या नहीं आए, तो इनकम वैसे तो आती ही है, ठीक है, लेकिन फिर भी फ्लक्चुएटिंग है, मार्केट के सिचुएशन पे बेस्ड है। लेकिन जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो तो करना ही करना है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आप एस्केप नहीं कर सकते, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करना ही करना है, पेंशन देनी ही देनी है, सैलरी देनी ही देनी है, ठीक है। तो ये कहीं पे अगर कोई कैलेमिटी आ गई, गॉड फॉरबिड्स कहीं नेचुरल कैलेमिटी आ गई, कुछ आ गई, तो आपको ग्रांट्स और एड्स भी देनी पड़ेंगी, ठीक है, जो आपको वापस नहीं मिलेंगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो होना ही होना है, इसको तो हम टाल नहीं सकते। तो जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट में जब डिफरेंस ज़्यादा क्रिएट हो जाता है तो वो रेवेन्यू डेफिसिट होता है, एंड रेवेन्यू डेफिसिट इज़ नॉट गुड फॉर एन इकोनॉमी, ठीक है। तो रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो थोड़ा इकोनॉमी के लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाता है इसको, ठीक है। समझ में आ गई बात, क्यों नहीं माना जाता, क्योंकि देखिए रेवेन्यू क्यों नहीं माना जाता है, क्योंकि देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो कोई एसेट क्रिएशन नहीं कर रहा है ना, दैट इज नॉट क्रिएटिंग एनी एसेट फॉर अ कंट्री, सो दैट्स वाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को इतना अच्छा नहीं माना जाता। इसके कंपैरेटिव अगर मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करूं तो उसको तो इकोनॉमी के लिए ऑब्वियसली थम्स अप है, उसके लिए इकोनॉमी के लिए, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर से क्या होगा, एसेट क्रिएशन हो रही है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन हो रही है, डेवलपमेंट पर्पज के लिए यूज हो रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हमारा कैपेक्स है, ठीक है। तो दैट्स वाई द रेवेन्यू डेफिसिट को इतना अच्छा जो है इकोनॉमी के लिए नहीं माना जाता। समझ में आ गई बात, ओके। अब ये देखिए ये जो रिसेंट जो हमारा बजट था, ठीक है, उसका ये ग्राफ है, ये आप समझिए इसको, इसका ये ग्राफ है, वन सेकेंड आई विल डू इट अगेन। ये देखिए, सो व्हाट वी हैव, हमने क्या पढ़ा अभी, इससे पहले हमने पढ़ा जी सबसे पहले फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। तो फिस्कल डेफिसिट ये जो ऑरेंज लाइन है इससे जो है फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट हो रहा है। ये मैंने आपको बताया कि फॉर द ईयर 2020-2021 ये 9.2 था, ठीक है। फिर 21-22 के लिए जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है दिस यू कैन सी इज 6.9, और अभी जो करंट ईयर है 2022-2023 इट इज़ प्रोजेक्टेड टू बी 6.4। ये रहा जी किसका, किसकी बात रही, ये फिस्कल डेफिसिट की बात रही, ठीक है। उसके बाद ये है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट जो अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी, और ये है प्राइमरी डेफिसिट जो अभी हमने करना है, ठीक है। देन वंस अगेन विल कम टू दिस ग्राफ। चलिए अब नेक्स्ट डेफिसिट की बात करते हैं विच इज़ इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। नाउ व्हाट इज दिस इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। अब देखिए हमने कहा कि भाई रेवेन्यू डेफिसिट जो है ये अच्छा नहीं है इकोनॉमी के लिए, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ना है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। नाउ व्हाट इज दिस इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। नाउ सी, हमने कहा जी रेवेन्यू डेफिसिट जो है ये सपोज रेवेन्यू डेफिसिट हमारा 100 रुपये बना, ठीक है, वैसे तो इतना नहीं बना, ये लाख करोड़ में चला जाता है, ठीक है, ये ठीक है, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। पर चलिए टू सिंप्लीफाई आर एग्जाम्पल से ₹100 जो है ये हमारा रेवेन्यू डेफिसिट है, ठीक है, से ₹100 इज आर रेवेन्यू डेफिसिट। अब क्या होता है, कई बारी जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, व्हाट इट डज कि वो स्टेट्स को ना, स्टेट्स को भी दे सकती है और भी कई ऑर्गेनाइजेशंस को दे सकती है, क्या करती है, ग्रांट्स देती है फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, किसी स्टेट को ग्रांट दी और उस स्टेट ने क्या किया, उससे कोई एसेट क्रिएशन की। ठीक है, कोई ब्रिज बनाया, कोई रोड बनाया, या कहीं पे कोई पार्क बना दिया। ठीक है, एक एसेट क्रिएट किया स्टेट ने, ठीक है, उस पैसे से। ओके, अब वो जो ग्रांट्स है ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी स्टेट गवर्नमेंट को, क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट देगी फॉर कैपिटल एसेट क्रिएशन। ठीक है, उस ग्रांट को आप माइनस कर दो रेवेन्यू डेफिसिट में से। तो अब फॉर एग्जांपल रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो कितना है, 100 रुपीज़ है, माइनस कर दीजिए आप जो ग्रांट्स जो हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ग्रांट दी है कैपिटल क्रिएशन के लिए। अब सपोज वो जो ग्रांट दी है वो 50 रुपये है, ठीक है, 50 रुपीज़ जो है वो ग्रांट दी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट को, और 100 रुपीज़ जो है वो रेवेन्यू डेफिसिट था। तो पीछे कितना डेफिसिट बचा, 50 रुपये। तो गवर्नमेंट कह रही है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो 50 रुपीज़ है। समझ आ गया ना, व्हाट इज दिस इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट? इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इज, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इज रेवेन्यू डेफिसिट माइनस द ग्रांट्स गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट्स, ठीक है, और टू एनी अदर बॉडी फॉर कैपिटल एसेट क्रिएशन। ठीक है, जो भी एसेट क्रिएशन के लिए देती है, ठीक है, उसको माइनस कर देते हैं तो क्या बन जाता है, हमारा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट बन जाता है। ठीक है, तो ये जो ऊपर हमने ग्राफ देखा इसमें इफेक्टिव रेवेन्यू, ये जो डॉटेड लाइन है ये इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट को जो है डिपिक्ट कर रही है। तो ये रहा जी आपका इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ये 1.4 था, फिर 2.4 है। ठीक है, ये जब कोविड की सिचुएशन आई तब आप देख सकते हैं सारे ही डेफिसिट जो हैं ऑन दी हाई नोट थे, सारे ही डेफिसिट जो हैं वो ज़्यादा हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल वी हैड 9.2, दिस फिस्कल डेफिसिट जो है वो 9.2% ऑफ जीडीपी था। देन इफ यू टॉक अबाउट इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, इट इज़, यू कैन सी इट इज़ 6.2 इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, तो अभी उसके बाद जो है इट इज़ 3.7 एंड नाउ इट इज़ दिस इज़, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है, आप देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव प्राइमरी डेफिसिट, एंड इंडीड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइमरी डेफिसिट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब प्राइमरी डेफिसिट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो देखते हैं क्या है इसमें। देखिए, प्राइमरी डेफिसिट किसे कहते हैं? प्राइमरी डेफिसिट वो डेफिसिट है बेसिकली जिसमें व्हाट हैपन्स इज कि जो गवर्नमेंट है, देखिए गवर्नमेंट जो है, प्रेजेंट गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई जो प्रीवियस ईयर में या जो प्रीवियस जो गवर्नमेंट आई थी, पहले मैं ऐसे आपको लेमैन लैंग्वेज में समझा देती हूँ, उसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट कंटेंट आई हैव रिटन ओवर हेयर। देखिए, जो आप लगा लीजिए फॉर एग्जांपल कोई प्रीवियस गवर्नमेंट थी, ठीक है, जिसने काफ़ी बोरोइंग कर रखी थी या काफ़ी लोन जो है वो ले रखा था, ठीक है, या जो पिछले साल के जो लोन हैं या पिछले साल के जो उधार हैं आप कह लीजिए, तो गवर्नमेंट कहती है कि आप जो हमारा फिस्कल डेफिसिट निकाल रहे हो, यानी जो बोरोइंग आप हमारी जो निकाल रहे हो, ठीक है, उसमें से जो पिछले जो उधार हैं, ठीक है, जो पिछली गवर्नमेंट के जो उधार है या जो पिछली गवर्नमेंट की जो लाइबिलिटीज़ हैं, जो पिछली गवर्नमेंट की जो बोरोइंग्स हैं, आप उसको माइनस कर दीजिए और फिर आप हमारा फिस्कल डेफिसिट निकालिए, तो उसको कहते हैं प्राइमरी डेफिसिट। समझ आ गया ना, व्हाट इज़ प्राइमरी डेफिसिट? प्राइमरी डेफिसिट ये देखिए, पहले आप ये इक्वेशन समझिए। इक्वेशन में मैंने लिखा है कि प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट पेमेंट, यानी कि जो फिस्कल डेफिसिट जो है माइनस आप इसमें से कर दीजिए जो प्रीवियस जो इंटरेस्ट पेमेंट्स करनी है उनको, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्राइमरी डेफिसिट। तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई आप फिस्कल डेफिसिट नहीं देखिए, आप हमारा प्राइमरी डेफिसिट देखिए। आप क्या देखिए, जो प्रेजेंट है, जो प्राइमरी डेफिसिट है वो देखिए, कि जो पिछले साल के या जो पिछली गवर्नमेंट की जो बोरोइंग्स हैं उनको नहीं देखिए आप, जो अभी एट प्रेजेंट की जो बोरोइंग्स है वो देखिए, उसको इंक्लूड करिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट कहती है, जब गवर्नमेंट को कहा जाता है कि भाई इतना फिस्कल डेफिसिट आपने बना दिया, ठीक है, तो गवर्नमेंट कहती है कि आप फिस्कल डेफिसिट ना देखिए, आप प्राइमरी डेफिसिट देखिए, क्योंकि उसमें जो पिछली गवर्नमेंट के जो क्योंकि जो पिछली गवर्नमेंट के जो उधार हैं वो भी तो प्रेजेंट गवर्नमेंट को चुकाने हैं, ठीक है ना, वो भी तो चुकाने, वो लाइबिलिटीज़ हैं, वो जो बोरोइंग्स हैं, जो लोन लिए हुए हैं जो पिछली गवर्नमेंट ने वो भी तो चुकाने हैं, वो भी तो प्रेजेंट गवर्नमेंट को ही चुकाने हैं। तो वो प्रेजेंट गवर्नमेंट कहते हैं कि भाई उसको आप माइनस कर दो फिस्कल डेफिसिट में से, तो हमारा प्राइमरी डेफिसिट निकल आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। अ लार्ज पार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स फिस्कल डेफिसिट इज बिकॉज इट नीड्स टू पे इंटरेस्ट ऑन इट्स प्रीवियस एक्यूमुलेटेड डेट। जो पिछला डेट है, जो पिछला उधार है, उसको भी जो है गवर्नमेंट को चुकाना पड़ता है। ठीक है, सो इफ़ वी वांट टू मेजर द गवर्नमेंट्स डेफिसिट एक्सक्लूडिंग द इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द प्रीवियस डेट, जो पहले जो डेट लिया है उस पर भी गवर्नमेंट को जो है इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, उसको अगर हम एक्सक्लूड कर दें तो दैट इंक्लूड्स द प्राइमरी डेफिसिट। ओके, तो गोल ऑफ मेजरिंग द प्राइमरी डेफिसिट इज टू फोकस ऑन प्रेजेंट फिस्कल इम्बैलेंसेस। ठीक है, तो जो प्रेजेंट फिस्कल इम्बैलेंस जो है उसको आप कह सकते हो कि उसको मेजर करना जो है दैट इज बेसिकली इंक्लूडेड इन दी प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस प्राइमरी डेफिसिट? इट इज द फिस्कल डेफिसिट माइनस द इंटरेस्ट पेमेंट्स। ओके, सो प्राइमरी डेफिसिट टेल्स अबाउट द डेफिसिट इन द गवर्नमेंट्स बजट एक्सक्लूडिंग द इंटरेस्ट लाइबिलिटीज ऑन द गवर्नमेंट एक्यूमुलेटेड डेट। ठीक है, ये समझ आ गया आपको। अब देखिए यहाँ पे प्राइमरी डेफिसिट की जो लाइन है दैट इज इंडिकेटेड बाय दी येलो लाइन। ये जो येलो लाइन है ये आपको ये प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट कर रही है। तो स्टार्ट हम करेंगे कोविड लाइन से ही, जब जो है काफ़ी हाई डेफिसिट्स रहे सारे ही। सो यहाँ पे प्राइमरी डेफिसिट जो है वो 5.8 था। ठीक है, और फिस्कल डेफिसिट जो है 9.2 था। तो आप देख सकते हैं कि फिस्कल डेफिसिट वाज 9.2 एंड प्राइमरी डेफिसिट वाज 5.8, यानी जो ये 5.8% के जो ऊपर जो बाकी जो डेफिसिट है ये पुराना डेफिसिट था। ठीक है, तो ओके और उसके बाद 3.3 है और अभी यू कैन सी इट इज़ 2.8। ठीक है, 2.8 ऑलराइट। तो ये है अबाउट प्राइमरी डेफिसिट। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव, आफ्टर द प्राइमरी डेफिसिट वी हैव दी, देखिए प्राइमरी डेफिसिट के बाद एक मैं टर्म आपको और समझा देती हूँ, विच इज़ दी वन टर्म इज विच इज़ कॉल्ड एज डेफिसिट फिनेंसिंग। क्या है? डेफिसिट फिनेंसिंग। ओके, नाउ व्हाट इज द डेफिसिट फिनेंसिंग किसे कहते हैं? डेफिसिट फिनेंसिंग एक टर्म है। डेफिसिट फिनेंसिंग का मतलब होता है जब गवर्नमेंट जो है डेफिसिट फेस कर रही होती है। ठीक है, ऑब्वियसली जब एक्सपेंसेस ज़्यादा है रिसीट से, जब डेफिसिट फेस कर रही होती है, किन सोर्सेज से, व्हाट आर ऑल दी सोर्सेज, जिससे कि कौन कौन से सोर्सेज होंगे, जैसे कि मार्केट बोरोइंग करेगी। गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट विल डू बोरोइंग, या तो गवर्नमेंट बोरोइंग करेगी। अब ये जो बोरोइंग है ये इंटरनल भी कर सकती है या फिर एक्सटर्नल अब्रॉड से भी कर सकती है। ठीक है, या फिर इन सम केसेस जो आरबीआई है वो क्या कर सकती है, वो प्रिंट कर सकती है ज़्यादा पैसा। ठीक है, इट कैन प्रिंट मोर मनी इस डेफिसिट को फिनेंस करने के लिए, इस डेफिसिट को बैलेंस करने के लिए, उसको हम कहते हैं डेफिसिट फिनेंसिंग। ठीक है, अगर आपको कहीं पे डेफिसिट फिनेंसिंग अगर आपको टर्मिनोलॉजी मिलती है ना, व्हाट इज डेफिसिट फिनेंसिंग? डेफिसिट फिनेंसिंग का मतलब है डेफिसिट को फिनेंस करना, यानी कि जो भी डेफिसिट है, ओके जो भी डिफरेंस है एक्सपेंसेस और रिसीट्स में जो भी डिफरेंस आ रहा है उसको फिनेंस करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए व्हाट ऑल मेजर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टेक्स। ठीक है, इधर इट कैन बोरो फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज और इट कैन बोरो फ्रॉम अब्रॉड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज or it can borrow from RBI or it can even tell RBI to print more money. So that is the case of the deficit financing. ठीक है, एक आपको deficit financing समझाना था। एक और term है जो आपको समझानी है जिसको कहते हैं twin deficit. If you'll see some MCQ where there is written twin deficit. Now what is this twin deficit? अब देखिए twin deficit किसे कहते हैं? Twin deficit कहते हैं, इसको आप लिख लीजिए कहीं पे, ये notes में मैं include कर दूंगी। Twin deficit किसे कहते हैं? क्योंकि ये डेफिसिट से ही रिलेटेड हैं, तो अब ये टर्मिनोलॉजी मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, आई फाउंड सम स्पेस हियर। देखिए व्हाट इज ट्विन डेफिसिट नाउ। ओके, ट्विन डेफिसिट किसे कहते हैं? ट्विन डेफिसिट का मतलब होता है, ऑब्वियसली इसमें ट्विन का मतलब दो, तो दो डेफिसिट इसमें इंक्लूड होंगे। तो ट्विन डेफिसिट में इंक्लूड होता है, एक होता है करंट अकाउंट डेफिसिट। क्या होता है? करंट अकाउंट डेफिसिट प्लस फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, आई विल राइट इट वंस अगेन। ठीक है, ट्विन डेफिसिट किसे कहते हैं? ट्विन डेफिसिट आप अपने नोट्स में कहीं लिख लीजिए, करंट अकाउंट डेफिसिट प्लस फिस्कल डेफिसिट। अब फिस्कल डेफिसिट क्या है ये तो मैंने आपको समझा दिया, फिस्कल डेफिसिट किसे कहते हैं ये आपको समझ आ गया। करंट अकाउंट डेफिसिट किसे कहते हैं? वैसे मैंने आपको एक टॉपिक अभी आगे पढ़ाना है विच इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जब मैं आपको करवाऊंगी उसमें मैं आपको करंट अकाउंट डेफिसिट वैसे अच्छे से और समझाऊंगी कि किसे कहते हैं। अभी आप ये खाली इतना याद रखिए कि करंट अकाउंट डेफिसिट तब क्रिएट होता है जब हमारे एक्सपोर्ट जो है वो इम्पोर्ट से कम हो, ठीक है। जब हमारा एक्सपोर्ट यानी कि जब हमारी कंट्री से जो बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में जो हमारे गुड्स सप्लाई हो रही हैं वो जब कम हो। नाउ व्हेन एक्सपोर्ट इज लेस देन द इम्पोर्ट, ठीक है, व्हेन एक्सपोर्ट्स इज लेस देन द इम्पोर्ट यानी कि हम इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। अगर जब हम इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं यानी फॉरेन करेंसी जो है वो हमारी कंट्री से बाहर ज़्यादा जा रही है तो हमारी कंट्री में जो फॉरेन करेंसी का जो इनफ्लो है वो कम है। अगर हम हमारा एक्सपोर्ट कम हो रहा है तो हमारी करेंसी जो फॉरेन करेंसी का जो इनफ्लो है वो कम है, ठीक है। तो इन दैट सिचुएशन उसको कहा जाता है करंट अकाउंट डेफिसिट। क्या कहा जाता है? करंट अकाउंट। व्हाट इज करंट अकाउंट डेफिसिट? आपने अभी इतना समझना है, करंट अकाउंट डेफिसिट इज व्हेन एक्सपोर्ट इज लेस देन इम्पोर्ट और व्हेन इम्पोर्ट इज मोर देन एक्सपोर्ट, ठीक है। तो दैट सिचुएशन इज कॉल्ड एज करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट जब हो, जितना हो, प्लस फिस्कल डेफिसिट जितना हो। फिस्कल डेफिसिट को मैंने आपको समझा दिया। व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट? इट इज दी एक्सपेंडिचर माइनस इनकम एक्सेप्ट बोरोइंग, ठीक है, एक्सेप्ट बोरोइंग, इसे कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। ये इन दोनों को जब आप ऐड कर देते हो, करंट अकाउंट डेफिसिट को और प्लस फिस्कल डेफिसिट को, उसको कहा जाता है ट्विन डेफिसिट। इस तरीके से भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि व्हाट इज ट्विन डेफिसिट, तो अलग अलग कॉम्बिनेशंस आपको दिए जाएंगे। तो आपने याद रखना है करंट अकाउंट डेफिसिट प्लस फिस्कल डेफिसिट इज नोन एज ट्विन डेफिसिट, ठीक है। ये मैं नोट्स में इसमें इंक्लूड कर दूंगी, ओके। तो होपफुली आपको सब समझ आ गया होगा, नहीं आया होगा सो डू लेट मी नो इन टू द कॉमेंट सेक्शन। ऑल्सो शेयर दिस लेक्चर विद योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, एक्सट्रीमली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑल अपकमिंग एग्जाम्स, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट विच इज़ द एफआरबीएम एक्ट जो है वो मैं आपको करवाऊंगी, विच इज़ द फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003, ठीक है। ये नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, सो सी यू वेरी सून विद द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग।